शरद जी नमस्ते। नमस्ते शरद जी, आपने 3 ओलंपिक्स में भाग लिया है, आप तो बड़े जाने माने खिलाड़ी हैं। आप उन युवा खिलाड़ियों को क्या सुझाव देंगे जो पहली बार ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? सर। इस बार जो ओलंपिक्स होने वाली है ये काफी एक नया सिचुएशन में हो रही है, बल्कि ये COVID-19 के टाइम में हो रही है। तो पिछले 3 जो ओलंपिक्स था, इस ऐसे अनुभव कुछ भी नहीं था जहां पे हमारा कंसंट्रेशन पूरी स्पोर्ट से हटके जो हमारी सेफ्टी के लिए है, जो प्रोटोकॉल्स मेंटेन करना है, उस पे ध्यान चले। मगर इस बार स्पोर्ट्स के अलावा हमें बाकी कुछ में भी ध्यान ध्यान देना पड़ रहा है। तो मैं यही बोलूंगा कि जो जो नए जा रहे हैं पहले ओलंपिक्स में, हाँ, जाने से पहले हमें मतलब स्पोर्ट्स ओलंपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम अगर हम प्रोटोकॉल्स और ये सही नहीं मेंटेन करते हैं तो हम गेम से ही बाहर हो सकते हैं। सो वी हैव टू मेंटेन वो प्रोटोकॉल्स, और वंस हम जैसे हम ओलंपिक्स चले जाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान हमारा स्पोर्ट में होना चाहिए। तो जब तक हम जाएंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट में भी रखते हैं और अपना प्रोटोकॉल्स में भी रखते हैं, मगर जैसे वहां पे चले गए, कंप्लीट फोकस ऑन अपना स्पोर्ट के लिए। शरद जी, आपने जब खेलना शुरू किया था तब और अब आपको लगता है कि टेबल टेनिस को लेकर कुछ बदलाव आए हैं? स्पोर्ट्स से जुड़े सरकारी डिपार्टमेंट्स के अप्रोच में आपने कुछ बदलाव महसूस किया है? बहुत सारे फर्क हुए हैं सर। जैसे 2006 में जब मैं पहली बार कॉमनवेल्थ के मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, और अब की बार 2018 में जब हम सब मिलके गोल्ड मेडल जीते, जैसे मनिका बत्रा ने भी जीती थी, मतलब दो फर्स्ट वीमेन फीमेल इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू विन गोल्ड मेडल्स, तो उन्होंने 2 जीते, हमें भी मेन में एक जीते, और 8 मेडल जब आए, वो 2006 की और 2018 में बहुत फर्क थी। मेन थिंग यही था कि स्पोर्ट्स एक प्रोफेशनल फील्ड बना था। जब 2006 में तब मैं जीता था, तब स्पोर्ट्स में उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं थी। हाँ, वो इंडस्ट्री एकदम तब भी वो एक्स्ट्रा करिकुलर, मतलब पढ़ाई पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, स्पोर्ट्स एक साइड लाइन थी। मगर अभी ऐसे नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, पूरा गवर्नमेंट गवर्नमेंट इज गिविंग लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम जो अपॉर्चुनिटीज अभी है एक करियर बनाने में, एक प्रोफेशनल बनने में स्पोर्ट्स के बराबर, वो अभी बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पेरेंट्स को भी वो एक थोड़ा बहुत गारंटी मिलती है। गारंटी से ज्यादा एक कॉन्फिडेंस मिलती है कि मेरा बच्चा अगर स्पोर्ट्स पे भी आएगा तो वो संभाल सकता है, अपना जिंदगी वो संभाल सकता है। आई थिंक ये माइंडसेट बहुत अच्छी चेंज है। शरद जी, आपके पास सिर्फ टेबल टेनिस ही नहीं बल्कि बड़े इवेंट्स का बहुत विशाल अनुभव है। मुझे लगता है कि अनुभव आपके काम तो आएगा ही, साथ ही टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रही देश की पूरी टीम के काम आने वाला है। आप एक बड़े की भूमिका में इस बार एक प्रकार से पूरी टीम को एक विशेष भूमिका भी आपके सामने आई है, और मुझे विश्वास है कि खुद के खेल के साथ साथ उस पूरी टीम को संभालने में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा और आप उसे बखूबी निभाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, और आपकी टीम को भी, आपके स्वजन भी मुझे दिख रहे हैं, उनको भी मेरा नमन।